जय हिंद, स्वागत है दोस्तों आपका डीप डाइव विद अभिनव खरे में। आज के वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे हमारी भगवद गीता वाली सीरीज। आज का टॉपिक है चैप्टर 9, राजविद्या राजगुहा योग। तीन मुख्य बातें हैं जो आज मैं आपसे करना चाहूंगा। पहला, क्या है इस चैप्टर की समरी? दूसरा, इस चैप्टर से मेरा फेवरेट श्लोक कौन सा है? और तीसरा, इस चैप्टर के इम्प्लीकेशन क्या है मॉडर्न डे लिविंग पर? तो चलो कूदे। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। तो शुरुआत करते हैं पॉइंट नंबर 1 से, क्या है इस चैप्टर की समरी। बहुत सिंपल है, शास्त्रों के हिसाब से चाहे आप कुछ काम कर रहे हो, चाहे अपने एक टीचर के पास बैठकर कुछ सीखने की कोशिश कर रहे हो, बहुत ईमानदारी से अपना जो भी ट्रेड है, जो भी प्रोफेशन है, व्यापार है, वो कर रहे हो, या फिर किसी गुरु के चरणों में बैठकर भगवद गीता का पाठ कर रहे हो, अल्टीमेट जो एम होता है वो क्या होता है कि भगवान से, मतलब परमात्मा से एक छोटा से समय के लिए ही सही एक कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाए, जिसको बोलते हैं ब्रह्म की जो अनुभूति होती है वो हम चाहते हैं करना। अब परमात्मा जो है सृष्टि में, नेचर में चारों तरफ है, उसके बाद भी हम लोगों को ये सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। मोटी मोटी अगर तौर पे बात करूँ तो सिर्फ ये कह रहा है चैप्टर कि भाई जो करोगे उसके हिसाब से ही आपको फल मिलेगा। भूतों की पूजा करोगे तो भूतों के पास जाओगे, अगर पितरों की पूजा करोगे तो पितरों के पास जाओगे, देवी देवताओं मतलब जो डेमी गॉड्स होते हैं, मतलब वो भगवान नहीं है, भगवान के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनकी पूजा करोगे तो उनका आशीर्वाद मिलेगा। परमात्मा मतलब भगवान कृष्ण जो ओवरऑल जो गॉड हैं, जो सबसे महान, सबसे अनंत, सबसे अनादि हैं, जो अगर उनके पास जाना है, अगर उनका साथ चाहिए है तो उन्हीं की पूजा करनी पड़ेगी। इसको अगर नॉर्मल एवरीडे लैंग्वेज में बात करूं तो बहुत सिंपल है, बॉस गेम बड़ा करो, बड़ा गेम खेलो, छोटा गेम रखोगे, छोटे एम्स रखोगे, छोटे टारगेट्स रखोगे तो फिर छोटी छोटी चीज़ें मिलेंगी। मतलब अगर आपका टारगेट है कि गली के क्रिकेट खेलना है तो सचिन तेंदुलकर कैसे बनोगे? उसको बनना है अगर तो सोच बड़ी रखनी पड़ेगी, बड़े एम्बिशंस रखने पड़ेंगे, बड़े काम करने पड़ेंगे अकॉर्डिंगली, तभी आपका गेम बड़ा होगा। आपकी लाइफ का जो अल्टीमेट जो एम है उस पर फोकस करो, और अगर करोगे गेम बड़ा रखोगे तो कृष्ण की अनुभूति, ब्रह्मा की अनुभूति, जो गॉड के साथ में जो एक कनेक्शन एस्टैब्लिश करने की कोशिश करते हैं वो होकर ही रहेगा। अब हम आते हैं पॉइंट नंबर 2 पे, चैप्टर नंबर 9 से मेरा फेवरेट श्लोक कौन सा है वो मैं आपको पढ़कर बताता हूँ। इट गोज समथिंग लाइक, अवजाननंति माम मूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रितम परम भावम जाननंतो ममम भूत महेश्वरम। मतलब क्या है इसका? बहुत सिंपल सा मतलब है, हिंदू धर्म की सबसे ज़्यादा जो क्रिटिसिज्म होता है वो इस बात को लेकर होता है कि आप मूर्ति पूजक हो। यहाँ पर गीता क्लियर कर रही है कि हम मूर्ति पूजक नहीं हैं, मूर्ति में भगवान नहीं है, सिर्फ इतना सा बता रहे हैं। वो ये कह रहे हैं, अर्जुन को भगवान बोल रहे हैं कि तुम्हारे जैसे जो कुछ लोग होते हैं जिनको पूरी अकल नहीं होती है, वो सोचते हैं कि ये जो कृष्ण जो मानव की देह में है वो कृष्ण ही भगवान है, जबकि रियलिटी ऐसा नहीं है। कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि तुमको लग रहा है कि ये जो ह्यूमन बॉडी फॉर्म में, ये जो मानव की जो देह है उसके अंदर जो तुम देख रहे हो वो कृष्ण है, वो रियलिटी में कृष्ण नहीं है, ये मैंने अपनी माया से एक ह्यूमन फॉर्म लिया है। मेरा एक्चुअल रूप अगर देखोगे तो वो पॉसिबल ही नहीं है तुम्हारे लिए, क्योंकि पूरा ब्रह्मांड मैं हूँ, घी के अंदर होने वाली जो प्योरिटी है वो मैं हूँ, आग के अंदर जो तपिश होती है वो मैं हूँ, सब कुछ मैं हूँ, पूरा ब्रह्मांड मैं हूँ, तो तुम मुझे कैसे समझ पाओगे? क्योंकि तुम और तुम्हारे जो सारे दोस्त और भाई बंधु हैं वो लोग नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स हैं, उनके साथ तुम लोग क्योंकि रिलेट कर पाओ, तुम समझ पाओ कि मैं क्या बोल रहा हूँ, तो मैंने अपनी माया के थ्रू एक नॉर्मल ह्यूमन फॉर्म लिया है। सो अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की, इस श्लोक के मॉडर्न डे इम्प्लीकेशन क्या है। बहुत सिंपल है, हिंदुइज्म को लेकर, हिंदुत्व को लेकर हमेशा क्रिटिसिज्म होता है फिरंगियों के थ्रू, या फिर दूसरे धर्मों के जो लोग जो हमको समझ नहीं पाते हैं वो बोलते हैं हिंदुओं से कि तुम लोग मूर्ति पूजक हो। तो ये श्लोक क्लियर कर रहा है कि हम मूर्ति पूजक नहीं हैं, हम मूर्ति के सिंबल के थ्रू जो ब्रह्म सत्य है, जो भगवान है, जो खुद ही ब्रह्मांड है, जहाँ से सब कुछ आया है और जहाँ सब कुछ वापस जाएगा, हम उसकी पूजा कर रहे हैं। और ये जो कृष्ण है जो ह्यूमन फॉर्म में है वो सिर्फ भगवान का एक माया रूप है, वो रियलिटी में भगवान नहीं है। अगर भगवान अपना सत्य रूप दिखा देंगे
तो अर्जुन समेत बाकी के जो लोग हैं वो समझ भी नहीं पाएंगे, और हो सकता है या तो वो उसको सहन ना कर पाए, या फिर हो सकता है इतनी इंटेंसिटी के कारण हो सकता है उनकी जान चली जाए, वो पागल हो जाए, या कुछ भी हो सकता है। इसीलिए भगवान अब हम लोगों के भलाई के लिए, ताकि हम लोग रिलेट कर पाएँ, ताकि अर्जुन और अर्जुन के रिलेटिव्स रिलेट कर पाएँ, माया रूप में एक ह्यूमन फॉर्म में आए हैं कृष्ण की तरह, बट वो सिर्फ कृष्ण नहीं है, सब कुछ वो ही है। सो अब इसका जो इजी इम्प्लीकेशन है मॉडर्न डे लिविंग पे, वो ये है, किसी को लेकर भी कभी कन्फ्यूजन होता है हिंदू धर्म को लेकर, तो उनको ये वीडियो दिखा दीजिएगा। हिंदू धर्म मूर्ति पूजक धर्म नहीं है, वो सिर्फ एक सिंपल धर्म है, ताकि जो नॉर्मल जो लोग हैं वो इमेजिन करने में उनको आसानी हो, इसलिए मूर्ति की पूजा की जाती है। दिस वॉज डीप डाइव विद अभिनव खरे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट कर हमें बताइए अगर किसी तरह के क्वेश्चंस हैं, या किसी और टॉपिक पे आप चाहते हैं कि हम एनालाइज करें इस तरह से। थैंक यू वेरी मच। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान, कितना